इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूसली फोकसिंग ऑन कि यार मेरे हस्बैंड में ये इशू है, मेरी वाइफ में ये इशू है, अगर अगर उनमें ये चीज डिफरेंट होती तो हमारी लाइफ ऐसी होती, अगर मेरी शादी उससे हो गई होती तो ऐसा होता है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, डू ऑल ऑफ दैट. लेकिन साथ में इफ यू आर नॉट आस्किंग योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, देन यू आर मिसिंग समथिंग बिग. एम आई द बेस्ट वर्जन ऑफ अ स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ? एम आई दैट वर्जन दैट आई कैन बी? जो मेरा बेस्ट वर्जन हो सकता है टू बी अ स्पाउस, and this you can apply to anything, right? मैं स्पाउस का जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं, पेरेंट, ब्रदर, सन, एम आई बींग दैट? जो मेरी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी वाला हिस्सा है, क्या मैंने उसको पूरी तरह फोकस कर लिया है? क्या मैंने उस चीज को पूरी तरह एड्रेस कर दिया है? सो इसलिए अब मुझे सिर्फ मेरे बैटल पे फोकस करना है कि किस चीज पे मुझे फाइट करना है. अगर आपने वो इंटरनल वाला किया ही नहीं है तो फिर आप हमेशा लड़ते ही रहोगे. लेकिन अगर आपने किया, अगर आप कंटिन्यूअसली इंटरनली भी फोकस करोगे और एक्सटर्नली भी फोकस करोगे और अपने अंदर के चेंजेस करते जाओगे, मैन, जिंदगी की शक्ल बदल जाएगी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि झगड़ों की जगह नहीं है, अपने लिए खड़ा होना भी उतना ही जरूरी है, बट नॉट जस्ट दैट, बोथ थिंग्स एट द सेम टाइम. हम क्या करते हैं, हमारे पास ना सबके लिए स्टैंडर्ड्स हैं, हमें पता है हर इंसान को कैसे बिहेव करना चाहिए जो सही है, सबके लिए पता है हमें, इसीलिए इग्नोर अपने लिए हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं उसको. वहीं वहीं से बैलेंस का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है.